खबर रीवा से है, जहां रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सौर गांव में बुधवार की रात शराब पार्टी के दौरान एक विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया और आरोपी छोटू द्विवेदी ने अपने ही दोस्त पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब रामपद साकेत ने आरोपी से पिस्टल अंदर रखने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर छोटू ने रामपति पर दो गोलियां चला दी। गोली रामपति के पेट और जांघ में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल को परिजन तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे देर रात घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चालक की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई और घायल के बयान दर्ज कराए। बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी दोस्त बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान पिस्टल को अंदर रखने को लेकर कहासुनी हो गई जिसके बाद आरोपी ने युवक पर फायर कर दिया। घायल को दो गोलियां लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। राम सुमन साकेत। और ये जो घायल है इनका क्या नाम है? रामपति साकेत। रामपति साकेत, हाँ। आपके भाई हैं? आपके, हाँ, भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। पटना थाना बैकुंठपुर। हाँ, क्या कहते हैं घटना हो गई? अभी लोग रात में वहाँ थे। अब हमको ये जानकारी नहीं है कि कैसे की हुई घटना, हाँ, लेकिन हमको जब फोन गया तब पता चला कि चोट लग गई है। कैसे चोट लगी, कैसे? अब चोट, अब हमको दूसरा आदमी बताया कि चोट लगी है। जब यहाँ आए तो जब अपने भाई से मिला तब वो बोले, उनसे बात किया तो वो बोले कि मेरे गोली लगी है। गोली लगी है, हाँ। कितनी गोली लगी है? अब बताते हैं कि एक फायर किए हैं लेकिन जगह दो जगह दिखा रहा है। वैसे तो पता चला तीन गोली, हाँ। चली है, तीन गोली लगी, हाँ, लेकिन जख्म दो जगह दिख रहा है। जख्म दो जगह, हाँ। अब कैसी हालत होगी उनकी? अब तो ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, गोली नहीं निकाली? हाँ, अभी नहीं निकाली।